हे गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतने टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाली, क्योंकि मैं बीच में गया था नैनीताल और उसके लिए मैंने आपके लिए सिर्फ स्पेशली आपके लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और वही आप आज देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आराम से बैठो, ईयरफोन लगा एकदम मस्त। सो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, हम लोग सिर्फ दो जन यहाँ से गए थे सफ़र पे, मैं और मेरा पागल दोस्त भी, जिसकी आप शक्ल अभी देख रहे हो। हम दो जन ही गए थे। हम लोग 10th मई को निकले थे, 4:35 शाम को हम लोग की ट्रेन थी बांद्रा टर्मिनस से। हम लोग अराउंड 2 o'clock घर से हम लोग निकल गए थे, हम फ्रेश व्रेश हो गए, आराम से हम लोग निकल गए। 4 o'clock तक हम लोग स्टेशन पहुँचे, ट्रेन उधर ही थी, हम लोग ट्रेन में बैठे। और ट्रेन का नाम बाय द वे योगा एक्सप्रेस था, तो वीक में सिर्फ एक ही बार चलती है और टाइम पे पहुंचा देती है। हम लोगों को तो टाइम पे पहुंचा, हम लोग आराम से बैठे, अच्छा व्यू देखा ट्रेन में, चिल किया, एकदम अच्छे से सो के गए। फिर अराउंड 9:45 को हम लोग को वो ट्रेन ने हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे पहुंचाया दिल्ली। फिर दिल्ली से हम लोग ने उबेर की, उधर हम लोग मेरे फ्रेंड के रिलेटिव रहते थे और रिलेटिव के हम लोग घर पे कितने बजे, 11 o'clock, मतलब घर थोड़ा दूर था, 1 घंटा उधर से दूर था। तो हम लोग वो घर में, घर पे पहुँचे, फ्रेश व्रेश हुए, खाना खाया, मूवी देखी, टाइम पास किया, सब बातें बातें की, थैंक यू दीदी आपने अच्छे से रखा। फिर अराउंड हम लोग की रात की 10:20 को बस थी दिल्ली टू हल्द्वानी, जो हल्द्वानी छोड़ती है। घर से निकले थे हम लोग 8:30 को निकले, जब जाके बहुत लंबा था उधर से। ISBT बस स्टॉप था, उधर से हम लोग की बस थी, बस ढूंढी, हम लोग बस में बैठे। फिर हम लोग 10:30 को बस चली। बस अगर आपको बाय द वे कभी मतलब जाना है तो रेड बस आप बुकिंग कर सकते हो दिल्ली टू हल्द्वानी। एकदम अच्छे से कंफर्टेबल बस थी, 800 की टिकट थी, स्लीपर क्लास थी, बहुत बहुत कम्फर्टेबली थी। हम लोग ने उधर खाना खाया, मस्ती की, बहुत अच्छा व्यू था, इन्जॉय किया। फिर हम लोग को वो बस ने एक हॉल्ट दिया, एक 1 o'clock कुछ हॉल्ट था, वॉशरूम वॉशरूम गए हम लोग, फिर बैठे वापस बस में। फिर वो बस नॉन स्टॉप चली, फिर हम लोग को कितने बजे वो बस में उतारा, अराउंड कितने बजे, 6 o'clock, हाँ मॉर्निंग 6 o'clock हम लोग को हल्द्वानी पहुँच गए। फिर उधर से हल्द्वानी से नैनीताल 1.5 hour का रास्ता है, तो वो बस वाले आपको अगर आप बोलोगे तो वो आपको टैक्सी करके देगा। और सुबह सुबह गए थे तो क्या व्यू था यार। फिर हम लोग नैनीताल पहुँचे समथिंग 8 o'clock को। हम लोग हमारे गेस्ट हाउस जहाँ पर हम रुकने वाले थे वहाँ हम लोग एकदम आराम से हम लोग रहे, बहुत अच्छा रूम था। आप देखो कि गाइस हम इधर ठहरे हुए और अभी मैं आपको लेके जाता हूँ अंदर। ये है किचन, हम ना रहे कभी यारों, ये डाइनिंग एरिया है और ये लॉन्ज है जहाँ पर सब बैठ सकते हैं। प्यारी बातें झूमे शामें, और ये हमारे रूम का पैसेज, मस्ती में रहे डुबाडू, और ये हमारा रूम, बहुत ही मस्त रूम है। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे, ये भी ऐसा है, और ये हमारा वॉशरूम। सबसे अच्छी बात ये है कि इधर से जो व्यू है वो बहुत ही मस्त है। Shine it up,
लोग उधर से फ्रेश व्रेश हुए, हम लोगों को थोड़ा टाइम लगा, हम लोग मॉर्निंग कितने फिर 10 बजे हम लोग उधर से फिर केव पार करके जगह थी नैनीताल में, जो हम लोग के गेस्ट था उससे अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर था, तो 20 मिनट 25 हम लोग को वॉकिंग करके जाना था, लग गए लेकिन अच्छे से हम लोग मस्त 25 मिनट से लिए वॉकिंग पूरा एकदम ऐसा चढ़ा धीरे धीरे बहुत आराम से इंजॉय करके हम लोग फिर केव पार्क में पहुँचे। केव पार्क में मतलब बेसिकली ये है सब एनिमल्स जैसे कि ब्लैक पैंथर, टाइगर, लेपर्ड वो सब का केव है, तो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त था। अब देखो हम लोग एक एक के अंदर गए थे। अरे हम लोग उधर से आ रहे हैं ना, क्या था कि वो जो केव था ना, केव के अंदर बहुत ठंडा रहता है, ठंडी कितनी है इधर, वही तो बोल रहा कितना ठंडी है, पत्थर भी ठंडे, बहुत अच्छा था। फिर हम लोग उधर से आराम से पूरी जगह हम लोग ने एक्सप्लोर की, घूमा, फोटोज खींचे मेरे फ्रेंड के और मेरे, हम लोग ने फोटोज खींचे। फिर हम लोग उधर से निकले एक जगह पे, हम लोग के होटल से थोड़ी दूर होटल थी, होटल का नाम था अशोक। कभी भी आप अगर नैनीताल जाइए होटल में आप खाना ही खाना, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, प्योर वेज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खाना। तो हम लोग ने खाना खाया, रूम में गए, रेस्ट किया, फिर हम लोग शाम को उधर से रोप वे के लिए निकले, जो आप किसको भी पूछोगे ना तो आपको पता लगेगा रोप वे। तो हम लोग रोप वे के लिए गए और क्या मज़ा आया है, ऊपर इतना अच्छा व्यू आप देखो। Hey there, are you listening? I just found a dead man by the bridge again, by the bridge again. Spread your wings and take the leap, spill your blood all on the street, by the bridge again, by the bridge again. Why isn't anybody listening? This world is so beautiful, but then again, but then again, it feels like everywhere I go, I'm searching for something inside my soul. If I never find what I'm searching for, would you still love me or let me go? It feels like तो हम लोग एक क्या बोलते हैं मंदिर में गए, फिर रिवर की तरह बैठे, थोड़ा आराम चिल विल किया। फिर मेन उस दिन ही रात को आईपीएल की मैच थी, मुंबई वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, मज़ा आ गया, मैच देखे सो गए।
Thank you.